लाख इस बार क्रॉस, और इस समय हम मौजूद है बडाली गांव के अंदर। मैं बता दूं आज जो है बडाली गांव के अंदर भगत सिंह युवा ब्रिगेड के द्वारा जो है रक्तदान शिविर लगाया गया है, ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर जो है हिस्सा लिया गया है, और अंकुश श्रीवास जो किसान नेता है काफी अच्छा सराहनीय काम उनके द्वारा आज किया जा रहा है। बहुत सारे मुख्य अतिथि भी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया बडाली गांव के अंदर हिस्सा में हम मौजूद है जी, आपका पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। मैं ममता काद्यान, जिला अध्यक्ष जज्जर भारतीय किसान यूनियन जडू। तो ममता जी, जिस तरीके से आपने भी देखा युवाओं के अंदर काफी जोश दिखाई दे रहा है क्योंकि रक्तदान को लेकर और सबसे जरूरी और अहम कड़ी भी है जीवन की, तो किस तरीके से देखते हो आप भी यहाँ पहुँचे हो और मैंने सुना कि एक रक्त देने का भी आप काम कर रहे हो। देखिए मैं तो यही कहती हूँ जो भी आए मुख्य अतिथि आए वो भी अपना रक्तदान जरूर करे, हम रक्तदान करके किसी की जिंदगी को भी बचा सकते हैं, इससे बड़ा कोई मेरी नज़रों में तो कोई दान नहीं हो सकता। और ये भाई अंकुश ने भी बहुत अच्छी पहल की है, लगभग यहाँ 150 आदमियों ने तो मेरे ख्याल से रक्तदान अभी कर भी चुके होंगे और बहुत संख्या में हमारे नौजवान भाई रक्त देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जो भी ये रक्तदान में आज जिन्होंने अपना सहयोग किया है ऐसे इनको देख के सभी को रक्तदान करना चाहिए। अब अपनी ज़िंदगी में हर एक ज़्यादा नहीं कर सकते तो साल। जिस तरीके से आपने रक्तदान शिविर यहाँ पे युवाओं को साथ लेकर लगाया काफ़ी बधाई के पात्र हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के मेरे सभी किसान देवताओं को और मेरे मजदूर भाइयों को मैं हाथ जोड़ कर राम राम करता हूँ। रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है और इस टाइम पे हमें कहीं से पता चला था कि रक्त की कमी पड़ी हुई है, फेडरेशन वालों ने बताया और हमने पता भी किया, तो इसी के संदर्भ में हम आई साल लगाते हैं, हमारा ये तीसरा ब्लड कैंप है और इस समय इसलिए लगागा क्योंकि ज़्यादा जरूर थी, हम पहले भी लगा सकते थे या थोड़े देर में, उस चीज़ को तभी उचित माना जब उसकी ज़रूरत हो, सही आदमी के काम आ सके और टाइमली। नौजवान आपने देखा भी होगा बढ़ चढ़ की मेरे गाँव के और मेरे आसपास के गाँव के बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि 150+ यूनिट हम इस ब्लड डोनेशन कैंप से सरकार को दें जिससे किसी की जान बच सके। ऐसे प्रोग्रामों में हम लगातार देखते हैं बड़े बड़े जो है नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, आज आपने जो है किसान नेता को ही बुलाया है, क्या कुछ खास कारण? नेता पर भ्रष्ट आदमी है, किसानों पर बार बार अत्याचार कर रहे हैं और जो किसानों के अत्याचारी हम उनको ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में नहीं घुसने देंगे। जब तक हमारी बातें नहीं मानती सरकार, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, कोई भी सरकार हो, हम किसी भी नेता को ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में नहीं बुलाएंगे जो हमारे साथ हमारे समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हम उन्हीं आदमियों को बुलाना उचित समझते हैं, इसलिए हमने किसी नेता को इनवाइट नहीं किया। तो आपकी इस युवा टीम के अंदर कौन कौन अपने सहयोगी है आपके, कितने लोगों की ये टीम है? हमारे गाँव की ये 45 से 50 बच्चों की एक कमेटी भी, इसी स्टेडियम की कमेटी रजिस्टर्ड करवा रखी है, उनका भी योगदान है और पूरे गांव में जितने बच्चे नौकरी लगे हुए हैं उसमें चाहे 18 साल से लग के और 30 साल तक के भी इसमें ब्लड डोनेशन कैंप में सहयोग करते हैं हमारा। कुल मिलाकर जो है पूरे गांव के सहयोग से ही कह सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगवाया गया। पूरे गाँव के सहयोग से ही लगता है लेकिन कोई न किसी ने तो आगे आना पड़ता है, ये युवा बच्चे हैं जो इसका पूरा देखभाल भी करते हैं और जो भी सामाजिक काम हो इस स्टेडियम के बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो एडवोकेट साहब है हमारे साथ शिवाजी, शिवाजी किस तरीके से कैसे देखते हो युवा जिस तरीके से आगे आगे जो है बार बार जो है रक्त ब्लड डोनेशन कैंप की बात करें या और भी कोई भी सामाजिक काम हो, खासकर अंकुश शिवाजी जिस तरीके से युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो मेरे गाँव की जो सामाजिक पृष्ठभूमि रही है वो भाईचारा प्यार प्रेम प्रतीक की पृष्ठभूमि रही है, चाहे यह हमारे मंदिर की बात हो चाहे स्टेडियम की बात हो, आप इस स्टेडियम को देख रहे हो, स्टेडियम का जो रख रखाव है चाहे इसकी व्यवस्था है वो सारी की सारी युवा टीम और हमारे जो हमारे से बड़े हैं या हमारे उम्र के हैं वो सब मिल के सरकार से सहायता मिले ना मिले उसकी उसके ज़रूरत के बिना भी अपनी डोनेशन से यहाँ सारा काम करते रहते हैं। और ये जो आज का ब्लड डोनेशन कैंप है ये तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है, इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे सारे गाँव के युवा पूरे के, इसमें कोई जाति पाति धर्म की बात नहीं, आप देख रहे होगे पूरा सर्व समाज मिलकर इस तरह का काम करता है, यानी कि हमारा गांव एक पूरा सामाजिक समरसता की एक मिसाल है। ये कह रही थी मेरे भी 5 सर्जरी हो चुकी है, मेरे को भी बहुत भाइयों ने मेरी जिंदगी बचाने में उनका बहुत योगदान है, मेरे को भी 5 बार उन्होंने अपना ब्लड डोनेट करके मेरी जिंदगी को बचाया, कहीं ना कहीं आज मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी उनके लिए किसी न किसी के लिए ब्लड डोनेट करूं ताकि मैं भी किसी की जिंदगी को बचाने का हिस्सा बन सकूं। तो
इससे पहले आपने जो है कभी ब्लड नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं, मैंने लिया है, मैं पहली बार आज देने के लिए यहाँ आई हूँ। आज जो है, आज कैसे आपका मन किया कि हाँ मुझे भी जो है ब्लड देना चाहिए, खून देना चाहिए? देखो, जब मेरे को जरूरत थी तो सबने मेरा सहयोग किया, आज मेरे पास जो चीज अवेलेबल है तो मैं उसको दान भी कर सकती हूँ।